मैं मनोज सैनी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष रहे मदनलाल जी सैनी, मैं उनका बेटा हूं, सांसद रहे हैं और मैं यहां अभी मैं पिछले एक सप्ताह से सीकरी था। और किसी भी कार्यक्रम की सफलता के लिए भीड़ का होना बहुत जरूरी है। भीड़ ही उस कार्यक्रम की सफलता और असफलता को साबित करती है। व्यवस्था देखने के लिए सीनियर लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं हमारे, यह है सभी ये देख रहे हैं। तो सीकर से हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि सीकर शहर से, केवल शहर की बात कर रहा हूँ मैं, सीकर शहर से हमने 200 गाड़ियों की एक जगह, व्यक्तिगत जो आएंगे वो अलग है, 200 गाड़ी इकट्ठी होकर मंडी के अंदर इकट्ठी हो रही है और वहाँ से असेंबल होकर एक रूप से आएगी। अब आप इस चीज़ की कल्पना कर सकते हो, एक छोटा सा शहर के अंदर से 200 गाड़ियाँ आना अपने आप में बहुत बड़ी मायने है। हाँ, और ये जो संख्या बल है ये इस बात को इंगित करेगा कि सैनी समाज अब जाग गया है, अब सो नहीं रहा है। हाँ, और जब कोई समाज हुंकार भरता है तो ऊपर बैठे लोगों की भी नींद उड़ती है। हाँ, और हम ऊपर वालों की नींद उड़ाने के लिए ही कार्यक्रम करते हैं। आपके समाज की प्रमुख मांग क्या रहेगी कल के? भाई, मांगे अलग चीज है, मांगों के लिए हमने अलग अलग आंदोलन किए हैं। ये आंदोलन है, ये कोई आंदोलन नहीं है, ये कोई मांग भी नहीं है, वो हम समय समय पर करते आए हैं। पहले भी हमारे आंदोलन होते रहे, उनकी सबको हम रिपीट भी करेंगे। जो मांगे हैं हमारी, सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न है, ज्योतिबा फुले को भारत रत्न है, हमारे समाज को जो 12% आरक्षण है जनसंख्या के आधार पर, वो सब मांगे तो है ही है हमारी। तो ये हमारा एक तरह से शक्ति प्रदर्शन है समाज का, जिसके आधार पर एक राजनीतिक जागृति चेतना लोगों के अंदर लाई जाए।